जिले के परौना नगर में एक चाइल्ड नर्सिंग होम में बच्चा बदले जाने की सूचना पर नगर में सनसनी फैल गई। परिजनों ने अस्पताल पर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन यह आरोप लगाने लगे कि यहाँ के डॉक्टर ने हमारे बच्चे को बदल दिया है, हमारा लड़का था लेकिन इन्होंने हमें लड़की दिया है। मामला कुशीनगर जिले के परौना थाना क्षेत्र के जकहां रोड स्थित जीवनदीप हॉस्पिटल का है। जीवनदीप हॉस्पिटल डॉक्टर रवि जायसवाल के नाम से पंजीकृत है। डॉक्टर रवि जायसवाल के वहाँ रामकोला थाना क्षेत्र के सियरहा निवासिनी अंजलि कुशवाहा के बच्चे का इलाज चल रहा था। बृहस्पतिवार को डिस्चार्ज करते समय परिजन यह आरोप लगाने लगे कि हमारा लड़का था लेकिन हमें लड़की दी जा रही है। परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया जाने लगा कि डॉक्टर ने बच्चे को बदल दिया है। परिजन यहाँ तक भी आरोप लगाने लगे कि डॉक्टर ने हमारे बच्चे को बेच दिया है और परिजनों ने बच्चा बदले जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और SDM सदर ने परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन परिजन अस्पताल और डॉक्टर पर कार्यवाही कराने को लेकर पड़े रहे। मामला बिगड़ता देख स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में मेडिकल को छोड़कर बाकी सभी जगह को सील कर दिया और मौके से डॉक्टर रवि जायसवाल को थाने लेकर चली गई। इधर मामला मैनेज होता देख परिजन थाने पर भी पहुंच गए और थाने पर भी हंगामा खड़ा करने लगे लेकिन मामले की नज़ाकत को भांपते हुए कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में जीवनदीप हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रवि जायसवाल के खिलाफ अपहरण सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। भारतीय दंड विधान धारा 363, 504 और 506 के तहत रवि जायसवाल के खिलाफ कोतवाली परौना की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया तथा परिजनों को यह समझाया बुझाया कि मामले में पूरी कार्यवाही की जाएगी, किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। इस मामले में डॉक्टर रवि जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह कबूल भी किया कि अस्पताल प्रशासन से लापरवाही हुई है और यह बहुत बड़ा मिस्टेक है कि बच्चा बदला गया है। अब यहाँ मामला यह तूल पकड़ता नजर आ रहा है कि आखिर अस्पताल प्रशासन किस तरह लापरवाह है कि उसे बच्चा देते समय यह पता नहीं चला कि वह बच्चे को बदल रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सूचना मिलने तक देर रात तक परिजन थाने के बाहर जमे हुए थे तथा डॉक्टर रवि जायसवाल को कोतवाली में ही बैठाया गया था। क्या आरोप आप लगा रही हैं कि आपका बच्चा गायब है? क्या है ये मामला? बच्चा गायब हो गया है, कल का गायब हुआ है। बकरा जो आज हम लोग लड़का हमारा है, लड़की दे रहे हैं, छुट्टी करा रहे हैं हम लोग, तब पता चला है की लड़की है, कि लड़की है। कहाँ जन्म हुआ था बच्चे का? जन्म हुआ था उसका रमीन नगर लेकर आए, रमीन नगर से हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे, वहाँ पर रिफर कर दिया था, डॉक्टर बोले थे लेकर जाओ जहाँ मन करता है, तो हम लोग लेकर यहाँ पे आए। यहाँ लेकर आए तो क्या था, बेबी था, लड़की था, लड़का था? लड़का था। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं लड़की है, लेकर जाओ। लास्ट टाइम डॉक्टर साहब 5:30 बोले हैं कि लेकर जाओ लड़की है, हम कह रहे हैं लड़की हम नहीं लेकर जाए, हमारा लड़का चाहिए। तो बड़ी धमकी दे रहे हैं? बढ़िया से धमकी दे रहा है। क्या कह रहे हैं कि लेकर जाओ, क्या कर लोगे तुम लोग, क्या कर लोगे हम लोग, हमारा अंजलि नाम है। स्टाफ वेल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, तो ये बड़ी गलती नहीं मान रहे हैं कि लड़की को लड़का और लड़के को लड़की दे। लड़के लड़की का तो आप बता ही नहीं सकते, बच्चे में डायपर पहना हुआ है तो कौन लड़का है कौन लड़की है ये तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। जो अटेंडेंट को तक नहीं पता है कि हम ले गए हैं वो लड़की है कि लड़का है, तो ऐसा कुछ जो हंगामा करें उनका साफ कहना है कि उनकी जो जन्म दिया हुआ था वो लड़का था और उसे लड़की दे दिया गया। तो लड़का लड़की में वो तो अंतर हुआ है लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उसको दे दें, और पूरी तरीके से आरोप बेबुनियाद नहीं। स्टाफ की कितनी बड़ी लापरवाही है,
एनआईसीयू में किसी को जाने नहीं दिया जाता है और स्टाफ उल्ला के अंदर से देता है। एनआईसीयू ट्रिपल लेयर का होता है, एनआईसीयू में इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए बाहर से कोई भी आएगा तो उसको प्रॉपर क्लीननेस नहीं होती है, इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, इसीलिए एनआईसीयू में जनरली एंट्री नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यही लापरवाही है ना कि अंदर से लाके आपके स्टाफ ने दिया उनको, तो उसको अंदर अगर अंदर अगर करना चाहिए अंदर अगर हम एनआईसीयू में सबको वार्ड बना देंगे तो ये नहीं कह रहा हूँ, वार्ड बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टाफ आपका लाके दिया तो उसको क्लियर करना चाहिए था ना कि किसका बच्चा किसको देना है। बुलाया गया बेबी ऑफ अंगीरा को और अटेंडेंट अगर चला गया, अटेंडेंट को दोनों ही खड़े थे, अब गलती हो गई, एक बार ब्लंडर वो हो गई, मानवीय भूल है।